अगर आपको हेल्दी, चटपटा और मसालेदार खाने का मन कर रहा है तो आज की क्विक एंड इजी मसाला इडली आपको बहुत पसंद आएगी। इडली बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे एक कप सूजी और एक कप दही। आप ध्यान रखें, मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें, पानी हमेशा आप बाद में डालें, डिपेंडिंग ऑन कितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, क्योंकि कभी जो सूजी है वो ज़्यादा पानी पीती है और कभी कम। तो आप इसमें थोड़ा पानी डालें अभी और इसको अच्छे से मिक्स करें। जो कंसिस्टेंसी है सूजी की इडली की, वो आपकी रेगुलर इडली जैसी ही होगी। तो आप देखें, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसे 10 मिनट तक हम रेस्ट करने देंगे। तब तक जो हमारी इडली की जो ट्रे है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से ऑयल लगाइए वरना आपकी इडली चिपक जाएगी। आप देखें, 10 मिनट बाद अब ये बैटर थोड़ा थिक हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी, तो टोटल मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। तो ये कंसिस्टेंसी अब परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें नमक और बेकिंग सोडा। इसको डाल के आप अच्छे से एक बार मिलाएं, और जैसे ही आप इसको विस्क करेंगे इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब इमिजिएटली आप ये जो बैटर है उसको पोर करेंगे अपने इडली के स्टैंड में। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको आप रखें नहीं, इमिजिएटली आप बेक करने को डालें। आप ध्यान रखें, मसाला इडली में मैं बैटर हमेशा कम डालती हूँ। मुझे बहुत मोटी इडली नहीं पसंद, वरना जो मसाला है उसका टेस्ट कम और इडली का ज़्यादा आता है। अब आप देखें, ये जो होल्स हैं वो इडली के ऊपर आने चाहिए, इससे जो स्टीम है वो इवन आएगी। तो अब आप इसको 10 मिनट तक स्टीम करें ऑन हाई फ्लेम। आप देखें, 10 मिनट बाद ये परफेक्ट हमारी बन चुकी है। चेक करने के लिए मैं पानी में उंगली डाल के अब इसको ऊपर ऐसे टच करूंगी। आप देखें, ये चिपक नहीं रही, मतलब ये ठीक है। अब 3 से 4 मिनट तक मैंने ठंडा होने दिया है, उसके बाद मैं निकाल रही हूँ स्पून से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इमिजिएटली निकालेंगे तो आपकी इडली टूट सकती है। आप देखिए, जैसे मैंने कहा, मैंने इडली को थोड़ा पतला बनाया है, कम बैटर डाला है। आप टेक्सचर देखें, बहुत ही नरम आया है इस सूजी इडली का। तो अब इनको हम काटेंगे 4 पीस में। अब आप इसी तरह से बाकी की सारी इडलीज को भी काटिए। टेम्परिंग के लिए एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और गार्लिक। अब हमें इसे टॉस करना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि गार्लिक में अच्छा गोल्डन कलर आए। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज और करी लीव्स। अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, आपको पता है करी लीव्स में हमेशा प्याज के साथ डालती हूँ। मैं पहले नहीं डालती, वरना करी लीव्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक होके कड़क हो जाते हैं। अब आप देखें, 2 मिनट बाद ये परफेक्ट है। इसमें अब मैं डालूँगी शिमला मिर्च, और इसको भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे। अब आप इसमें डालें टमाटर और नमक। नमक डालने से जो मसाले हैं, जो सब्जियां हैं, वो अच्छे से जल्दी कुक हो जाएंगी। तो अब हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमेटोज हमारे सॉफ्ट हो जाएं। आप देखिए, 4 मिनट बाद अब ये परफेक्ट है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और पाव भाजी मसाला। जी हाँ, पाव भाजी मसाला बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा आपकी इस मसाला इडलीस को। जो रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं वो ये पाव भाजी मसाला ज़रूर डालते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से मिलाएं, और इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालना बहुत ज़रूरी है। जब हम इडलीस को इसमें डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी ड्राई नहीं होनी चाहिए, वरना जो इडली है वो अच्छे से मसाले को सोक नहीं कर पाएगी। अब आप इसमें डालें टमेटो केचप, और इसको भी अच्छे से मिलाएं। आप देखिए, अभी हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल बढ़िया है।
इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे इडलीस। जैसे मैंने कहा इडलीस हम थोड़ी पतली बनाते हैं मसाला इडलीस के लिए, क्योंकि जो मसाला है वो इडलीस अच्छे से सोक कर पाती हैं। अगर आप बहुत मोटी बनाएंगे तो अंदर से आपको इडली का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगी मसाला इडलीस के लिए इडलीस थोड़ी छोटी बनाएं। तो अब इसको टॉप करें आप हरे धनिए और नींबू के रस से। जी हाँ, नींबू का रस बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें तो बहुत ही मज़ेदार मसाला इडलीस रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार है। ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक और ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं लगातार आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लाऊंगी।